नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राशिफल। और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा, जो आज आपको बताएंगे ये हफ्ता आपके लिए कैसा होने वाला है, किन चीजों से इस हफ्ते आपको सावधान रहना होगा और किसी भी प्रकार की परेशानी के लिए आपको किस तरह का उपाय करना चाहिए। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। वंदे देव उमापतिम सूर्यगुरुम वंदे जगत्कारणम वंदे पन्नगभूषणम रघुधरम वंदे पशूनां पतिम वंदे सूर्यशशांकवह्निनयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्तजनाश्रियं च वरदम वंदे शिवम शंकरम। ओम नमः शिवाय। चलिए पंडित जी, मेष राशि से शुरुआत करेंगे। मेष राशि वाले जातकों के लिए हफ्ता कैसा रहने वाला है? जी, मेष राशि के जो जातक हैं, आपका इस हफ्ते में उनका आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, वाणी में सौम्यता रहेगी, नौकरी में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं, अफसरों का सहयोग भी मिलेगा, परंतु किसी दूसरे स्थान पर उनको जाना पड़ सकता है, परिवार से अलग भी रहना पड़ सकता है, खर्चों में वृद्धि होगी और यात्रा अधिक रहेगी। तो पंडित जी, मेष राशि वालों के लिए खर्चों में वृद्धि कम करने के लिए उन्हें क्या उपाय करने चाहिए? और हफ्ते की शुरुआत होली से होने वाली है, तो कैसा ये पूरा हफ्ता उनके लिए रहने वाला है? पारुल जी, मेष राशि वालों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहने वाला है, थोड़ा तनाव के साथ भी रहेगा। इसके लिए इनके लिए एक उपाय है, इन्हें प्रातःकाल में स्नान करने के पश्चात एक लोटा जल में 50 ग्राम या 10 ग्राम कच्चा दूध मिला करके भगवान के भोलेनाथ के लिए चढ़ाना चाहिए। चलिए पंडित जी, वृष राशि की बात करेंगे। वृष राशि वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जी, वृष राशि वाले जातकों को मन में शांति और प्रसन्नता के भाव रहेंगे, आत्मविश्वास से लवरेज रहेंगे, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, इनका पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा, कार्य क्षेत्र की स्थिति में सुधार होगा, परिश्रम अधिक रहेगा, शैक्षिक कार्यों में कठिनाइयां आ सकती हैं, आय में कमी, खर्च की अधिकता की स्थिति रहेगी। बिल्कुल। तो वृष राशि वाले जातकों के लिए पंडित जी, अगर किसी भी तरह की कार्य के क्षेत्र में परेशानी हो तो उसके लिए उन्हें क्या उपाय करने चाहिए? वृषभ राशि वालों को अपने गुरुजनों का कुछ पारितोषिक देकर सम्मान करें, उनको कुछ भेंट उपहार दें, इससे उनके लिए काफी अच्छा समय रहेगा। चलिए पंडित जी, अगली राशि मिथुन राशि है, उसका रुख करेंगे। मिथुन राशि के जो जातक हैं, वो इस समय आत्मविश्वास से लवरेज रहेंगे, परंतु किसी अज्ञात भय से भी परेशान हो सकते हैं, उनके मन में एक अनजाना सा भय बना रहेगा, वाणी में कठोरता का प्रभाव हो सकता है, बातचीत में संतुलित रहने का प्रयास करें, अपशब्दों का प्रयोग ना करें, नौकरी में विदेश यात्रा के मौके भी मिल सकते हैं और संतान को स्वास्थ्य विकार भी हो सकता है। बिल्कुल पंडित जी, जिस तरह से आपने बताया मिथुन राशि वालों के मन में किसी तरह का भय बना रहेगा, उसके लिए उन्हें क्या उपाय करने चाहिए? इसके लिए उपाय है, इनको पीली सरसों, एक मुट्ठी पीली सरसों अपने सिर के ऊपर से 7 बार बार के किसी भी शमशान में डाल दें। जी, चलिए पंडित जी, अगली राशि कर्क राशि है। जी, कर्क राशि के जो जातक हैं, उनको आशा और निराशा के मिश्रित भाव रहेंगे, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, दो मतलब अभी एक पल में ही क्रोध हो जाए, एक पल में ही आनंद की स्थिति में हो, इस तरह की मना स्थिति इनकी रहेगी। नौकरी में स्थान परिवर्तन का भी योग बना हुआ है, अफसरों का सहयोग मिलेगा, कुटुंब में परिवार में धार्मिक कार्य होंगे और वस्त्र उपहार में भी मिल सकते हैं और मित्रों का सहयोग भी मिलेगा। बिल्कुल पंडित जी, लेकिन कर्क राशि वालों को अगर किसी तरह की कार्य क्षेत्र में या ऑफिस में किसी तरह की परेशानी आ रही है, तो उसके लिए उन्हें क्या उपाय करना चाहिए? इनके लिए कर्क राशि वालों को शुक्रवार के दिन किसी भी मंदिर में या अनाथालय में चीनी या चावल, कोई भी श्वेत वस्तु, श्वेत अन्न दान कर देना चाहिए। चलिए पंडित जी, अब रुक करेंगे अगली राशि का, जो है सिंह राशि। जी, सिंह राशि के जो जातक हैं, इनका थोड़ा मन
हीन भावना से ग्रसित रहेगा, आत्मविश्वास में कमी रहेगी, स्वभाव में चिड़चिड़ापन भी हो सकता है, पारिवारिक समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, शैक्षिक कार्यों की सुखद परिणाम मिलेंगे, किसी मित्र की मदद से रोजगार के अवसर भी मिल सकते हैं, आय में वृद्धि भी होगी, परंतु आप सेहत का विशेष ध्यान रखें। बिल्कुल पंडित जी, जिस तरह से सिंह राशि जातकों को आपने बताया कि स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहेगा, उसको सही रखने के लिए उन्हें क्या कुछ उपाय करने चाहिए? इसके लिए इन्हें प्रातः काल में स्नान करके हनुमान चालीसा का पाठ करके सिंदूर का तिलक लगाना चाहिए। चलिए पंडित जी, अब अगली राशि का रुख करेंगे जो है कन्या राशि। जी, कन्या राशि के जो जातक हैं उनके मन में निराशा और असंतोष के भाव होंगे, संयत रहें, आवेश के अतिरेक से बचें, जीवन साथी को भी स्वास्थ्य का विकार हो सकता है, आपको माता का सहयोग मिल सकता है, धार्मिक संगीत में रुचि रहेगी और नौकरी में परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं, आपको उच्च पद की प्राप्ति भी हो सकती है। बिल्कुल पंडित जी, लेकिन कन्या राशि वाले जातकों को अगर किसी तरह की परिवार में समस्या हो रही है, उसके लिए उन्हें क्या उपाय करने उसके लिए इन्हें उपाय है जरूरतमंद के लिए वस्त्र दान करना चाहिए। चलिए पंडित जी, अगली राशि का रुख करेंगे जो है तुला राशि। जी, तुला राशि के जो जातक हैं आशा निराशा के मिश्रित भाव से मन में रहेगा, धर्म कर्म में रुचि भी बढ़ेगी, किसी धार्मिक स्थान की यात्रा का कार्यक्रम भी बन सकता है, परिवार का साथ मिलेगा, आय में कमी होगी और खर्चों की अधिकता की स्थिति बनी रहेगी, आपके पिता को स्वास्थ्य विकार भी हो सकता है। बिल्कुल पंडित जी, लेकिन अगर तुला राशि के जातकों की बात की जाए, अगर उनके जीवन में लव लाइफ में अगर किसी तरह की परेशानी चल रही है, तो उसके लिए उन्हें क्या उपाय करना चाहिए? उसके लिए उन्हें पीले चंदन का टीका लगाना चाहिए और घर से बाहर जाते समय दही, मीठा दही खा करके जाए। बिल्कुल पंडित जी, अब रुक करेंगे अगली राशि का जो है वृश्चिक राशि। जी, वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनको मानसिक शांति रहेगी, आत्मविश्वास में वृद्धि भी होगी और कार्यों के प्रति उत्साह भी रहेगा, आय में कठिनाइयां आ सकती हैं, नौकरी में तरक्की के अवसर भी मिल सकते हैं, कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा, परंतु आपका स्थान परिवर्तन भी संभव है, आपका रहन सहन कष्टमय हो सकता है। बिल्कुल पंडित जी, लेकिन वृश्चिक राशि वाले अगर युवा हैं, बच्चे हैं, उन्हें पढ़ाई में किसी तरह की कोई परेशानी सामने आ रही है, तो उसके लिए क्या कुछ उपाय करना चाहिए? जी, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मैं एक मंत्र बता रहा हूँ, ओम बागवादिन्यै नमः। इस मंत्र का यथोपचार जप करें, इसके पश्चात शुक्रवार को और सोमवार को सफेद कपड़े पहने। चलिए पंडित जी, अब रुक करेंगे अगली राशि का जो है धनु राशि। जी, धनु राशि के जो जातक हैं उनकी वाणी में कठोरता का प्रभाव होगा, बातचीत में संतुलित रहें, नौकरी में अफसरों से मतभेद हो सकता है, फिर भी तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे, लेकिन किसी दूसरे स्थान पर जाना भी पड़ सकता है, परिवार का सहयोग मिलेगा, सेहत का ध्यान रखें, आपके धन संचय में भी वृद्धि होगी। बिल्कुल पंडित जी, धनु राशि वाले जातकों के लिए जिस तरह से आपने बताया मतभेद हो सकता है ऑफिस में, उसके लिए उन्हें क्या कुछ उपाय करना चाहिए? उसके लिए ना पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना चाहिए। चलिए पंडित जी, अब रुक करेंगे अगली राशि का जो है मकर राशि। जी, मकर राशि के जो जातक हैं इस समय आत्मविश्वास से लवरेज रहेंगे, परंतु आपकी धैर्यशीलता में कमी रहेगी, परिवार में आपसी मतभेद भी हो सकते हैं, भवन सुख में वृद्धि होगी, माता का सान्निध्य मिलेगा और परिवार में धार्मिक कार्य होंगे, संतान की ओर से सुखद समाचार मिल सकता है और परिश्रम की अधिकता रहेगी। बिल्कुल पंडित जी, अगर मकर राशि वाले जातकों की बात करें, परिश्रम में अधिकता रहेगी, उसके लिए क्या कुछ उपाय उन्हें करना चाहिए? जी, इसके लिए इन्हें अपने बड़े भाइयों का सहयोग करना चाहिए, अगर आपका भाई किसी जरूरत में है तो उसकी जरूरत आप पूरा कर सकते हैं तो करें। दूसरा, साबुत उड़द के 49 दाने लेकर अपने ऊपर से उतारकर गंदे पानी वाले नाले में डाल दें। जी चलिए पंडित जी, अब अगली राशि का रुख करेंगे जो है कुंभ राशि। जी, कुंभ राशि के जातकों का मन थोड़ा अशांत रहेगा,
व्यर्थ के विवाद और झगड़ों से बचने का प्रयास करें। वाणी में कठोरता का प्रभाव रहेगा। बातचीत में संयत रहें। शैक्षिक कार्यों के सुखद परिणाम मिलेंगे। संतान के सुख में वृद्धि भी होगी और परिवार के साथ यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है। मित्रों का साथ भी मिलेगा। बिल्कुल पंडित जी, जिस तरह से कुंभ राशि के जातकों के लिए आप बता रहे हैं, मन अशांत रहेगा, मन को शांत करने के लिए क्या कुछ उपाय करने चाहिए? इनको मन की शांति के लिए प्रातः काल में भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। जी चलिए पंडित जी, अब अगली राशि का रुख करेंगे जो है मीन राशि। जी मीन राशि के जो जातक हैं उनको आत्मसंयत रहना चाहिए। आत्मसंयत रहें, अपनी भावनाओं को अपने बस में रखें। परिवार की समस्याएं परेशान कर सकती हैं। पिता का साथ मिलेगा, रहन सहन कष्टमय रहेगा। किसी पैतृक संपत्ति से धनार्जन के साधन बन सकते हैं। किसी पुराने मित्र का भी आगमन हो सकता है। खर्चे बढ़ेंगे। बिल्कुल पंडित जी, जिस तरह से मीन राशि के जातकों के बारे में आप बता रहे हैं कि परिवार में परेशानी बनी रहेगी, उसे कम करने के लिए क्या कुछ उपाय करने चाहिए? अपने बुजुर्गों का ध्यान रखें, उनकी भावनाओं को समझें और इसके बाद भी मंगलवार को आप मीठा भोजन करें। तो देखिए ये इस हफ्ते का राशिफल था। पंडित जी ने जो सभी समाधान आपको बताए, उम्मीद करते हैं उनसे आपका ये सप्ताह जो है वो अच्छे से गुजरेगा। जो भी समाधान पंडित जी ने बताया जरूर उन्हें करिएगा। अगली बार फिर हाजिर होंगे अगले हफ्ता के राशिफल के साथ। ओम नमः शिवाय। मंत्रार्था सफला संतु, सफला संतु मनोरथा, शत्रुणाम बुद्धिनाशाय, मित्राणाम मुदियस्तवः। ओम नमः शिवाय।